दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए श्रम विभाग भर्ती की लेटेस्ट अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें पोस्ट निकली है MTS, LDC, स्टेनो, फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स की। MTS के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, 18,000 सैलरी है। LDC के लिए 12वीं पास 19,900 सैलरी। स्टेनो के लिए भी 12वीं पास 25,500 सैलरी। फार्मासिस्ट के लिए डिप्लोमा से अप्लाई कर सकते हो 29,200 सैलरी। स्टाफ नर्स के लिए BSc नर्सिंग से अप्लाई कर सकते हो 35,400 सैलरी है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 21 जून 2021 है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या लेबर डिपार्टमेंट भर्ती के लिए पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं लेबर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, ऑफिस ऑफ द कमिश्नर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कार्यालय आयुक्त श्रम एवं रोजगार के अंतर्गत भर्ती निकली है। पोस्ट इसमें फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर स्टेनोग्राफर और मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS की वेरियस पद खाली है। सैलरी की बात की जाए तो फार्मासिस्ट के लिए 29,200 है, स्टाफ नर्स के लिए 35,400, लोअर डिवीजन क्लर्क LDC के लिए 19,900, जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 25,500 और मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS के लिए 18,000 रुपये सैलरी प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। योग्यता की बात की जाए तो 10वीं 12वीं पास, डिप्लोमा इन फार्मेसी और BSc नर्सिंग GNM से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 45 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस की जानकारी आप नोटिस से कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट या स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। गोवा जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। labor.gova.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन साइन करने की 21 जून 2021 है। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस टेबल के एंड में आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म PDF का लिंक दिया गया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी। ऑफिस ऑफ द कमिश्नर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑफलाइन आवेदन पत्र आपसे मंगाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप कंप्लीट डिटेल चेक कर सकते हो। labor.gova.gov.in पोर्टल से आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। एड्रेस यहाँ पर दिया गया जिस पर आपको आवेदन फॉर्म सेंड करना होगा, ये यहाँ पर एड्रेस दिया गया है। इस एड्रेस पर आपको 21 जून 2021 तक ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बाद में सेंड करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज साथ साथ सैलरी क्वालिफिकेशन की जानकारी दी गई है। फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर टोटल 19 वैकेंसीज है। ST के लिए 2 है, OBC के लिए 6 है, UR के लिए 10 है, EWS के लिए 1 है। यहाँ पर 29,200 सैलरी है। डिप्लोमा फार्मेसी से आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए देख सकते हो टोटल 30 वैकेंसीज है। ST के लिए 4 है, OBC के लिए 7 है, UR के लिए 15 है, EWS के लिए 3 है, EX सर्विसमैन के लिए भी 1 पद है। 35,400 सैलरी है। यहाँ पर नर्सिंग फ्रॉम यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा गया है नर्सिंग में। BSc नर्सिंग से भी आप अप्लाई कर सकते हो। LDC लोअर डिवीजन क्लर्क पोस्ट के लिए टोटल 8 वैकेंसीज है, 19,900 सैलरी है। यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट से आप अप्लाई कर सकते हो। और इसी तरह यहाँ पर जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए भी यहाँ पर एक वैकेंसी है, 25,500 सैलरी, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट से आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह MTS के लिए यहाँ पर 12 वैकेंसीज निकली है, सभी कैटेगरी के लिए 18,000 सैलरी है। यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। मैक्सिमम 45 वर्ष आयु सीमा है। सभी इंस्ट्रक्शंस आप यहीं से रीड कर सकते हो अप्लाई करने से पहले। जी हाँ दोस्तों, gova.gov.in या फिर labor.gova.gov.in पोर्टल से आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। इसी PDF के एंड में आपको एप्लीकेशन परफॉर्मा दिया गया है, जो आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हो। राइट साइड में आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करना होगा। एड्रेस यहाँ पर दिया गया है जिस पर आपको आवेदन सेंड करना होगा। एप्लीकेशन का आपको यहाँ पर पोस्ट लिखनी होगी, जो यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। नेम आपको यहां पर ब्लॉक लेटर में फिलअप करना होगा। उसके बाद में यहां पर जेंडर मेल या फीमेल, मैरिटल स्टेटस, फादर से हस्बैंड, नेम, एड्रेस आपको यहां पर डालना होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ, आयु सीमा। इसी तरह आपको यहां पर पूरा फॉर्म फिलअप कर लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, पूरा फॉर्म फिलअप करने के लिए गाइडलाइंस भी दी गई है, जिनको फॉलो करके आप सिंपली इस भर्ती के फॉर्म को भर सकते हो। वो पूरा फॉर्म भरने के बाद में आपको ऑफिशियल एड्रेस पर सेंड कर देना होगा। तो दोस्तों ऐसे आप लेबर डिपार्टमेंट श्रम विभाग भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।